जय श्री कृष्णा। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी में कुछ ना कुछ खूबी है तो कुछ ना कुछ कमी भी है, परंतु हमें उनकी खूबियों के हिसाब से अर्थात जो भी उनमें अच्छाइयां हैं उन्हीं के साथ स्वीकार करना चाहिए। आइए इसे एक कहानी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा जिनके पास दो लकड़ी के मटके थे, जिनमें से एक मटका थोड़ा ज़्यादा पुराना था और कुछ फूटा हुआ था जिसमें से पानी रिसता था। वह बूढ़ी अम्मा दोनों मटकों को एक रस्सी की सहायता से बांधकर अपने कंधे पर लटकाकर दूर कुएं से जल भरकर लाया करती, जिससे एक मटके का जल घर पहुँचते पहुँचते आधा रह जाता। एक मटका अपने कार्य से बहुत संतुष्ट था और दूसरा जो पुराना मटका था जो कुछ फूटा हुआ था वह अपने कार्य से संतुष्ट नहीं था। एक बार उस फूटे हुए मटके ने उस बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा आप नित रोज इतनी मेहनत करती हो, इतनी दूर से जल भरकर लाती हो, परंतु मैं बहुत उदास हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं पूरा जल घर तक नहीं लेकर जाता। बूढ़ी अम्मा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुम देखो जिस कंधे पर जिस ओर मैं तुम्हें लटका कर लाती हूँ उस तरफ पूरे रास्ते में फूल ही फूल उगे हुए हैं और दूसरी तरफ वाले मटके के रास्ते में कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम में से पानी रिसता है और घर पहुँचने तक आधा ही जल रह जाता है, इसीलिए मैंने पूरे रास्ते में बीज बो दिए थे और उसी का नतीजा आज ये है कि मेरे एक तरफ रास्ते में फूल ही फूल है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो भी व्यक्ति हैं हमें उनकी कमियों और अच्छाइयों के साथ दोनों के साथ ही स्वीकारना चाहिए। हमें उनकी कमियों को भी अच्छाइयों में बदल देना चाहिए और अच्छाइयों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उन कमियों से अवश्य किसी न किसी को तो लाभ होगा ही। इसलिए प्रभु के बनाए हुए बंदों में, प्रभु के बनाए हुए लोगों में, इंसानों में किसी भी प्रकार की कमी खोजने से बेहतर है कि उनकी अच्छाइयों को देखें। जय श्री कृष्णा।